चलो सर ओके। लाइट ऑफ नेशन में आज हम आपको लेके आए हैं जम्मू की एक प्रसिद्ध लेक सरिंसर लेक। आपने देखा होगा श्रीनगर में एक लेक है जिसे डल लेक के नाम से जाना जाता है, और जम्मू के जितने भी टूरिस्ट जो दूर दूर से बाहरी राज्यों से आते हैं वो डल लेक का एंजॉय करते हैं। लेकिन हमारा इस मामले में हमारा जम्मू भी किसी से कम नहीं, हमारे यहाँ पे भी एक बहुत ही सुंदर लेक है जो आप नज़ारा देख रहे हो पीछे, ये एक लेक है सरिंसर लेक के नाम से जानी जाती है। आज हम उसका व्यू आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे पर्यटन जो घूमने आते हैं उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इसके साथ साथ ही हमारी J&K गवर्नमेंट जो ऐसा ये इतना अच्छा व्यू जो टूरिस्ट लेक है उसके मामले में वो क्या कार्य कर रही है, और कितनी निकम्मी आज तक ये सरकार रह चुकी है जो आज तक इस कार्य को टूरिस्ट की जो जितनी भी है उनकी फैसिलिटी को लेके नाकाम रह चुकी है, उसके बारे में आज ये रिपोर्ट हमारे लाइट ऑफ नेशन की तरफ से आपको बताएंगे। और इसके थोड़े से व्यू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ कैमरामैन समीर जी, आज इस बारे में आप हमें दिखाइए। ये देखिए ये व्यू जो है, ये व्यू है सरिंसर लेक का, और इसको आप देख रहे हो कि टूरिस्ट की संख्या कितनी कम है, और इसकी वजह भी आप जानेंगे कि इसकी वजह क्या है कि टूरिस्ट इतने कम होना, कि इतनी बड़ी इतनी फेमस लेक होने के बावजूद यहाँ पे टूरिस्ट की कमी क्यों महसूस हो रही है हमें, और हमारा जम्मू टूरिज्म डिपार्टमेंट जो इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा है, उसके बारे में हम लोगों के व्यू भी दिखाएंगे। इससे पहले मैं आपको इस लेक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये टूरिस्ट लेक जो सरिंसर में जो लेक है आपने देखी हो, इतना सुंदर नज़ारा है जहाँ पे ये मछलियाँ जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पूरा सुंदर नज़ारा जो आपके सामने जो आप हम दिखा रहे हैं लाइट ऑफ नेशन के जरिए, तो यहाँ पे इतनी अच्छी लेक होने के बावजूद भी यहाँ पे टूरिस्ट की बहुत ज़्यादा कमी है। उसका कारण आज हम आपको बताएंगे, जवानी आपको बताएंगे कि क्या क्या कमियाँ हैं जो J&K गवर्नमेंट नाकाम रही है आज तक इस कमियों को पूरा करने के लिए। तो अभी आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ पर घूमने आए हैं हम, इनके बारे में जानेंगे कि ये बताना चाहेंगे कि इनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब यहाँ पे ये घूमने के लिए आते हैं। सर आप कहाँ से हैं? मैं सतवीर नाम है मेरा, मैं बेसिकली जम्मू का ही हूँ, नानी नगर से आया हूँ मैं। तो एक वैकेंट होता है तो यहाँ पे हम आए घूमने के लिए, संडे मनाने के लिए। जम्मू में तो वैसे कोई हमारी गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटी दी नहीं यहाँ पे वाला घूम सके। कश्मीर गवर्नमेंट जो है कितना कुछ कर रही है, छोटी छोटी पार्कें भी हैं तो उसको भी अच्छा बना के तो जो टूरिस्ट हैं वहाँ जाते हैं। यहाँ हमारा एक मानसर है और ये एक सरिंसर लेक है, इस लेक में देखो कितने टूरिस्ट हैं और कितने बंदे आए हुए हैं, लेकिन बैठने की फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम दूर है बिल्कुल, और खाने का भी कोई अरेंजमेंट नहीं अच्छा, और बैठने का भी कोई अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए तो ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप हर वीकेंड यहाँ पे आते हो तो आपको किन किन परेशानियों का सामना यहाँ पे करना पड़ता है? सर देखो आज तो फर्स्ट टाइम आया, अगर हमें अच्छा लगता तो हम मैं भी हर संडे यहाँ पे आते, बट जहाँ जैसी यहाँ पे हालत है हमें नहीं लगता कि हम दोबारा ही इस जगह पे आएंगे विजिट करने के लिए, तो बाकी स्टेट में जाएंगे विजिट करने के लिए, यहाँ पे क्यों आएंगे? अगर यहाँ पे कोई अच्छा होता तो यहाँ पे कुछ देना भी हम पसंद करते हैं। आपको ये आपको गवर्नमेंट को छोड़ के यहाँ की फैसिलिटी को छोड़ के यहाँ के लेक आपको कैसी लगी जो आप यहाँ घूम रहे हो? आपने देखा ये इतना अच्छा व्यू है यहाँ का, नेचुरल व्यू है सारा यहाँ पे, बहुत नेचुरल है सब कुछ, और इसको अगर कुछ अल्टीमेटेड करेंगे गवर्नमेंट को अच्छा बनाएगी तो बहुत अच्छी व्यू पॉइंट बनेगा जम्मू का। आप अपनी तरफ से गवर्नमेंट को क्या संदेश देना चाहते हो, हमारे लाइट ऑफ नेशन की तरफ से आप क्या कहना चाहते हो गवर्नमेंट को कि यहाँ पे किन स्टैंडियों को गवर्नमेंट जो जिनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को क्या कदम उठाना चाहिए? बस यहाँ पे जितने भी हमारे विजिटिंग प्लेस हैं प्लीज़ उनकी तरफ ध्यान दी जाए, एक बागेपुर ही रह गया इकलौता हमारे जम्मू में, प्लीज़ यहाँ भी ध्यान दी जाए, बाकी टूरिस्ट हमारा बाहर ना जाए जम्मू में भी आ पाए। जम्मू में तो कोई जगह नहीं है, सिर्फ बागेपुर के नाम से मशहूर है। प्लीज़ ये अपना मंदिरों का शहर है और ये जो मंदिरों का हमारी जो ओल्डेस्ट प्लेसेस हैं प्लीज़ इसको डिस्ट्रॉय नहीं की जाए। थैंक यू सर। आप कहाँ से आए हैं? मैं जम्मू से ही हूँ, लोकल हूँ, पर मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। तो सर मैं तो बड़ा एक्सपेक्ट करके आया था कि बहुत अच्छा होगा, बट मैं देख रहा हूँ यहाँ भैंसें हैं, साइड में कुछ कचरा है, उस साइड देखो आप नाला बीच में गुजर आ रहा है, आप जरा कैमरा एक बार उस साइड वहाँ में नाला आपको सामने देख रहा, अगर नाला बीच भैंस की तरह भी थोड़ा सा मतलब इसकी ब्यूटी कहाँ गई है? सबसे पहली बात ये है कि ये रिलीजियस प्लेस है। हाँ जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ व्यू के मामले में तो हमारे लिए सरिंसर लेक तो इसका कोई जवाब नहीं है, जैसे लोग श्रीनगर में जाते हैं डल लेक देखने, तो अगर
मैं अगर गलत गलत नहीं कह रहा हूँ तो हमारा ये सुनीसर लेक भी डल लेक से कम नहीं है, अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दे तो। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए बात यह है, गवर्नमेंट के पास टाइम ही नहीं है कि जम्मू की में जो फैसिलिटीज हैं, जो जो भी नेचर है उसको एक्सप्लोर किया गया। मैं आपको एक छोटी सी बात का जवाब दूंगा, टाइम की बात नहीं होती, गवर्नमेंट हम लोगों के द्वारा चुनी गई है और उनका एक फर्ज है कि वो इस चीज़ को इग्नोर ना करे। हमारी आपको यहाँ पे यही पे एक चीज बताना चाहूंगा, आज एक कंपैरिजन में देखिए कि आज का आज सब ज्यादा टूरिस्ट कहाँ जा रहा है, हिमाचल में क्यों जा रहा है? बिकॉज वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज होने के बाद हम लोग डेवलप नहीं कर रहे हैं। रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा हैं, J&K के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और हम लोग उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, उनका फ़ायदा नहीं ले रहे हैं और हमारा टूरिज्म बिल्कुल ख़त्म हो गया, आज जीरो की कगार है। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जो आप देखें कि जितने भी बाहर से लोग आए हैं, हर एक आदमी अगर यहाँ पे घूमने आया है वो सोचता है मैं बोटिंग करूँ। चलो हो सकता है यहाँ पे ड्यू टू रिलीजियस प्लेस बोटिंग वाइड हो, बट आप देखें भैंसों को, भैंसें बीच में नाच रही हैं और साइड में गंद पड़ा हुआ है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है? लोग रहने के लिए कोई जगह नहीं है, आप देखिए कोई बैठने के लिए कोई अच्छा प्लेस नहीं है। ठीक है ये इतना सा डेवलप्ड है, बाकी आके किसी ने कुछ खाना भी जो है ये लोकल शॉप्स हैं, कोई JKTDC अपना कुछ डेवलप करे, यहाँ पे छोटे छोटे अच्छे रेस्टोरेंट्स होना है ताकि लोग आके कुछ अगर खाना हो तो उसी तरह अवेलेबल होना चाहिए, दोनों चीज़ें नहीं हैं। एक लेडीज की तरफ से कर दिए। अच्छा आप पठानकोट से आए हो तो जम्मू में आप स्प्रिंटर लेक में फर्स्ट टाइम आए हो, आपके यहाँ पे क्या परेशानी देखने को मिल रही है कि जो हमारी J&K गवर्नमेंट द्वारा ये यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वहाँ से तो अच्छा भी हुआ है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा अनटाइडी है, गंदगी है, बफलो वगैरह नहा रही है पानी में, उधर से नाला है, यहाँ बैठने के लिए इतना खास खाने की दिक्कत आ रही है, हम बहुत दूर से आए, चिप्स वगैरह ही मिल रहे हैं और तो कुछ खाने का यहाँ। आप J&K गवर्नमेंट से क्या कहना चाहोगे कि अगर नेक्स्ट टाइम आओ आपको कौन सी फैसिलिटी यहाँ पे चाहिए? मोस्टली टूरिस्ट प्लेसेस में होता ही है, हर चीज़ मिलती है, यहाँ पे भी होनी चाहिए कि बंदा रुक भी सके, रात भी रुक सके, फैमिली के साथ यहाँ रहने का भी, रहने का भी इंतजाम हो, छोटे मोटे आपके हो जाए, हट्स वगैरह हो जाए। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें ये देख रहे हैं JK J&K टूरिज़म की तरफ से जो लोगों के लिए पार्क और उनके लिए रहने के लिए जो ये बनाया गया है, इसमें आप देखोगे कि ये ना जाने कब से बंद पड़ा है और इसकी हालत में हम अभी आपको अपने कैमरामैन द्वारा दिखाऊंगा। तो अभी आप देखते जाइए, देखिए यहाँ पे कोई टूरिस्ट का किसी का नामो निशान नहीं है, ये J&K गवर्नमेंट द्वारा ये बंद पड़ा है, जैसे कि हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, व्यू देख रहे हो कि ये ना जाने कब से बंद पड़ा है और J&K गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये व्यू दिखाता जा रहा हूँ कि J&K गवर्नमेंट जो कि रोती है कि हमारा टूरिज्म, हमारा जो टूरिज्म है J&K का वो कम संख्या में आ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए यहाँ की हालत देखिए, AC बंद पड़े हैं, सारे रूम बंद पड़े हैं, यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि टूरिस्ट बाहर दर बदर हो रहा है, उनको रहने की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको ये एक छोटी सी रिपोर्ट लाइट ऑफ नेशन द्वारा दिखा रहा हूँ कि ये देखिए J&K गवर्नमेंट द्वारा ये क्या किया गया, देखिए ये फार्म इनका जो है कि बंद पड़ा है, यहाँ पे किसी भी बंदे को डिप्लॉय नहीं किया गया कि जो इसकी देख रेख के लिए काम करे, और ये J&K टूरिज्म का हाल है, आप देख रहे हो हमारे कैमरामैन की तरफ से, हमारे लाइट ऑफ नेशन जो आपको ये एक रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखा रही है। देखेंगे ये इनका पार्क है, जो इनका इनका रहने का सिस्टम है उसको तो छोड़िए, वहाँ तो आपने देखा नाम मात्र है, कुछ भी नहीं है, कोई बंदा नहीं यहाँ की देख रेख के लिए, ये सब कुछ बंद पड़ा है, यहाँ रहने की कोई फैसिलिटी नहीं है। उसके अलावा आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ का ये देखिए, ये गंद देखिए, ये शराब की बोतलें पड़ी हैं, उसके अलावा ये डस्टबिन में के आसपास ये गंद देखिए, इसकी देख रेख के लिए कोई यहाँ पे कोई इंसान नहीं मुझे मिल रहा ऐसा कि जो इस बात के लिए कोई अपनी जिम्मेवारी ले, क्योंकि ये सब इस सब की जिम्मेवारी हमारी J&K गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी, टूरिज्म डिपार्टमेंट को लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ अभी मैं आपको पार्क का व्यू दिखाने जा रहा हूँ, ये पार्क की हालत देखिए, ये बोतल देखिए, शराब की बोतल जो कि लोग इसको शराब पीने के लिए इस पार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अभी आगे आपको दिखाते हैं इसके व्यू और भी इससे। मैम आपका नाम क्या है? गीता। आप कहाँ से हैं? जम्मू से।
मैम आप इस व्यू के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सर जो आप यहाँ पे घूमने आए अपनी फैमिली के साथ, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे तो अच्छा व्यू है यहाँ का, सब कुछ अच्छा है, बट यही है कि यहाँ पे नाइट स्टे के लिए कोई भी है नहीं है। हम बच्चों को लेके आई हूँ, फैमिली को लेके आई हूँ, बट है ही नहीं इधर रहने के लिए कोई जगह। कहाँ रहना, गंद कितना है, पार्क में देखो कितना गंद पड़ा हुआ है, आप खुद देख लो यहाँ पे इस साइड पे भी देख लो। वो हमने सारा व्यू उसका लिया है। इसके आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं कि कहना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ बनाए, थोड़ा प्रोवाइड करें, यहाँ पे थोड़ा अच्छा बने, यहाँ का जो जितना गंद छंद है इसके लिए भी थोड़ा बहुत होना चाहिए यहाँ पे सब कुछ। खाने पीने की फैसिलिटी कैसी लगी आपको यहाँ? ठीक है, नॉर्मल सब कुछ, इतना ज्यादा अच्छा नहीं। मतलब आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई कैंटीन नहीं मिली, ये बाहर ही लोकल दुकानों से जो मिला वो खाया बस, उसके अलावा आपको मनपसंद यहाँ पे कुछ भी ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है कि यहाँ पे उनकी कोई कैंटीन हो जिसपे आप आराम से खा सकते? कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो कोई नहीं है, दुकानें हैं सिर्फ बनी हुई हैं। यहाँ से जो चीज़ बाहर से 15 में मिलेगी, यहाँ पे 20 की मिलती है, कोई भी नहीं है, सब कुछ दुकानों से प्राइवेट ही मिल रहा है, जो भी लेना है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है। ओके, लाइट ऑफ नेशन में आज आपने लोगों के व्यू देखे, जो लोग बाहरी राज्य से भी और हमारे जम्मू से भी यहाँ घूमने के लिए आए थे, उनका कहना है कि हमारी जो ये सुनसर लेक है ये बहुत ही बढ़िया लेक है, ये किसी सीनर किसी डल लेक से कम नहीं है, पर लोगों को यहाँ फैसिलिटी ना होते हुए भी तब भी लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो समस्या है वो आपको एक छोटी सी समस्या मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपने कैमरामैन के जरिए। ये देखिए ये लेक, इसमें देखिए ये हमारी भैंसें नहा रही हैं, ये भी इस लेक का एंजॉय करिए, कम से कम इनकी फैसिलिटी का तो ध्यान रखा जाए, इनके लिए तो अलग से तालाब बनाया जाए। हमारी गवर्नमेंट क्या इतनी सो गई है कि J&K गवर्नमेंट, जो कि J&K पुलिस तो दुनिया में नंबर वन है, लेकिन हमारी J&K गवर्नमेंट दुनिया में सबसे गई गुजरी क्यों है? इन चीज़ों की तरफ ध्यान क्यों नहीं, सिर्फ एक कश्मीर की तरफ ध्यान ही क्यों जा रहा है इनका, कि टूरिस्ट क्यों खज्जल हो रहे हैं? वहाँ स्टोन पेल्टिंग हो रही है, वहाँ पर इतने महीनों से माहौल ख़राब है, तो उसके चलते भी गवर्नमेंट अभी तक सोई हुई है कि जम्मू की तरफ टूरिस्ट की तरफ ध्यान दे, जो टूरिस्ट यहाँ पर वैष्णो देवी आते हैं, अमरनाथ आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, इतना पैसा खर्च करके गवर्नमेंट टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं, तो गवर्नमेंट फिर भी सोई क्यों है? मैं इस गवर्नमेंट को अपनी लाइट ऑफ नेशन की तरफ से जगाने की कोशिश करता हूँ और गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि हमारी जनता की प्लीज़ सुने, जिन्होंने आपको वोट दिए हैं और जो बाहर के राज्य से आते हैं उनके नज़रों में हमारा इंप्रेशन अच्छा सा बने। तो इसी के साथ कैमरामैन समीर सागर के साथ अमित कुमार, लाइट ऑफ नेशन, धन्यवाद।